हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश एंड आप देख रहे चैनल राज चंदन फिटनेस। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि फिट माइंड्स नेचुरल है या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि सौरभ सिंह राजपूत मींस फिट माइंड स्टेरॉइड यूज करता है, उनका बॉडी टोटली स्टेरॉइड से बना हुआ है। सो आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, सौरभ सिंह राजपूत मेरे शहर से बिलोंग करता है, मैं भी जमशेदपुर से हूँ। सो हमारे बीच कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जिसके द्वारा मुझे उनके बारे में पता चलता है। मैंने सौरभ सिंह राजपूत से कभी मिला नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो कॉमन फ्रेंड्स है सो वो बोलते रहते हैं कि सौरभ सिंह राजपूत ऐसा ट्रेन करता है, ये करता है, वो करता है। सो वो हम मुझे बताते रह रहे हैं। सो आज मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लास्ट तक देखना। आप यदि लास्ट से देखते हो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा एंड इंस्पायरिंग होने वाला है वीडियो बहुत ज़्यादा। सौरभ सिंह राजपूत एक इंस्पायरिंग फिटनेस यूट्यूबर है एंड उन्होंने यंग यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि हमें नेचुरल ट्रेन करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है ना कि वो स्टेरॉइड यूज करते हैं। सो आज मैं डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसको समझिए। क्या मीन्स, ये असल में ही जो फिटनेस इंडस्ट्री यही वाला चीज़ चल रहा है आजकल। जैसे यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है। तो सपोज मैं एक फिटनेस यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि मेरा सिक्स पैक्स एब्स रहना चाहिए, साथ में अच्छा का साइज रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ समझिए, यदि आप नेचुरली ट्रेन करते हो नेचुरली एंड आप दोनों अचीव करना चाहते हैं, साइज भी रहना चाहिए साथ में एब्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है एब्स, थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपको बहुत सारा 10-12 साल आपको ट्रेन करना पड़े तभी जाके आप उस मीन्स मुकाम पर पहुँच सकते हैं। सबसे पहली बात यही, यदि आप कटिंग करते हो ठीक है, नहीं क्या आपका साइज घट जाता है, आपके एब्स देखते रहते हैं आपका साइज घट जाता है। फिर क्या, कैमरा में सपोज मेरा भी बॉडी वेट है 82, नहीं कैमरा में छोटा लग रहा हूँ। ये होता है कि कैमरा में किसी सामने आदमी का बॉडी जो असल में वो कम दिखता है, ठीक है, वही बात है। यदि मैंने साइज बढ़ाया देन क्या एब्स चल जाएगा, तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही है। लेकिन यदि आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो तो आप दोनों एक साथ पा सकते हो, साइज भी पा सकते हैं साथ में एब्स भी पा सकते हैं। लेकिन जो मीन्स जो बंदे एक्सपीरियंस होते हैं, जो नेचुरली बहुत साल से ट्रेनिंग कर, वो पता कर लेंगे कि हाँ ये बंदा नेचुरल है, ये बंदा स्टेरॉइड्स यूज करता है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा, वो देख के बता सकते हैं कि उनका स्किन क्वालिटी देख के बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा स्टेरॉइड यूज कर रहा है, ये बंदा मीन्स नेचुरल है। फ्रेंड्स, हमारे जो फिटनेस इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ तो कहते हैं कि 27 दिन में मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, और उन्होंने खुद ट्रांसफॉर्म किया है नेचुरली, कहते हैं मैंने नेचुरली ट्रांसफॉर्म किया। और कुछ ऐसे भी जिनका 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं भी नेचुरल हूँ, ठीक है। यूज़ तो कुछ और करते हैं लेकिन कहते हैं कि मैं नेचुरल हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, बात ये नहीं है, बात ये कि जो बंदे आए हैं, जो मीन्स फिटनेस इंडस्ट्री में आया है, जो बच्चे हैं अभी ज़्यादा ट्रेंड नहीं किए, उनको ये लगता है कि अरे हाँ ये बंदा तो इनका बॉडी बहुत अच्छा, मीन्स इनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मीनिंग ये नहीं, आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं आपका बॉडी अच्छा, मतलब आपका मीन्स नॉलेज बहुत ज़्यादा, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जो लोग नेचुरली ट्रेन करते हैं उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो स्टेरॉइड से उनका मीन्स नॉलेज नहीं होता, लेकिन जो नेचुरली ट्रेन करते हैं उनका नॉलेज थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर होता है, बिकॉज वो अपना बॉडी से खेलना सीख गए, कैसे क्या करना है उनको सब पता चल, बिकॉज उनको एक एक हर एक स्टेप को पार करना पड़ता है। स्टेरॉइड एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको एक तला सीधा आपको 50 तला में उठाने की क्षमता रखता है, लेकिन उतना जल्दी आप डाउन भी आ सकते हैं, उतना जल्दी आप डाउन भी आ सकते हैं। जितना जल्दी ऊपर उठेंगे ना, उसका मीन्स दुगना स्पीड से आप नीचे आ जाएंगे, ये स्टेरॉइड। लेकिन आप यदि नेचुरल ट्रेन करते हैं ना, देन क्या होगा फ्रेंड्स, आप सालों भर साल अपना बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। सो मैं ये मीन्स जो बच्चे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बॉडी से कभी जज मत करिए, ठीक है। नॉलेज को देखिए, नॉलेज क्या है इसकी, यदि उसके अंदर नॉलेज है ना उसको लीजिए, बिकॉज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत टफ चीज़ है। आजकल तो दिखावा में लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, बॉडी को अच्छा खासा बना ले रहे हैं, लेकिन टेम्पररी है बॉडी, परमानेंट नहीं है। अच्छा बॉडी आप तभी पा सकते हैं जब आप नेचुरल ट्रेन करते हैं, एंड वो सालों भर में आता है, 2 दिन में नहीं आता। आजकल तो 2 दिन में बन जा रहा है, लेकिन सालों भर टाइम लगता है उसके लिए। फ्रेंड, सौरभ सिंह राजपूत जहाँ तक मुझे पता है कि लास्ट 1 ईयर से बल्क कर रहा है। सो जैसे ही आदमी कोई बल्क करता है तो उसका बॉडी में क्या होता है, वाटर रिटेंशन भी बढ़ता है, साथ में थोड़ा फैट स्टोरेज भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, मसल साइज बढ़ाने के लिए तो बल्क करना बहुत ही जरूरी है। तो सौरभ पहले लीन था, उनका बॉडी का शेप बहुत अच्छा था, लेकिन उतना ज़्यादा साइज नहीं था।
लेकिन अभी उनका साइज बहुत अच्छा खासा हो गया, देखने में लगता है कि थोड़ा लगता है तो हम लोग देसी भाषा बोलते हापट टाइप लगता है, तो अच्छा खासा लग रहा है, ठीक है। सो लेकिन अभी आप नोटिस करेंगे उनका बॉडी में अच्छा खासा फैट भी आया है, जैसे पहले उनका एब्स पूरा क्लियर दिखता था, अभी एब्स क्लियर नहीं दिखता है, बॉडी में थोड़ा फैट टेंडेंसी आया है। सो यदि आप नेचुरल ट्रेंड करते हैं तो ये चीज़ जरूर होना है, लेकिन यदि आप स्टेरॉइड यूज़ करते इस टाइम पे एंड आप बल्क करें लेकिन आपका उतना ज़्यादा फैट नहीं आएगा एंड आपका स्किन क्वालिटी से पता चल जाएगा कि आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपका बॉडी में ड्राई लुक रहता बहुत ज़्यादा। लेकिन सौरभ सिंह राजपूत का वैसे कुछ चीज़ नहीं है, उनके स्किन देख कर पता कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा मीन्स स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स सौरभ सिंह राजपूत कुछ स्टेरॉइड यूज़ नहीं कर रहा, बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है बहुत ज़्यादा। यदि उतना हार्ड वर्क आप करते हो, यदि आपके अंदर सौरभ सिंह राजपूत जैसे पेशेंस रहता है, देन आप भी कर सकते हो। हर इंसान के अंदर वो पेशेंस नहीं रहता है, हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है, आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे कि हाँ वो स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है। आपको भी टाइम देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ जेनेटिक्स मैटर करता है, सो जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन यदि आप नेचुरल ट्रेन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा चार चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपका सबसे पहले जो चीज़ है आपका पेशेंस, यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है देन आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, मैराथन है, आपको स्लोली मीन्स कछुआ जैसे जाना है, आस्ते 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 आस्ते, उतना ये तो हम ज़्यादा आस्ते बोल दिए, आपको उससे भी ज़्यादा स्लो जाना है। हो सके आपका 2-3 साल में आपका 1 इंच गेन हो गया, 0.5 इंच गेन होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है आपके, उसके साथ डाइट, फिर आपका वर्कआउट, फिर रेस्ट पर फोकस करना पड़ेगा। आपके अंदर यदि पेशेंस है देन आप कर पाएंगे, यदि पेशेंस नहीं आप नहीं कर पाएंगे। सो एंड सौरभ सिंह राजपूत लास्ट 5 ईयर से ट्रेन कर रहे हैं, अच्छा खासा डाइट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। सो एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, साथ में हार्ड वर्किंग भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसी कारण से उसने इतना अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्म किया है। सो फ्रेंड्स हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड आई रिस्पेक्ट फिट माइंड, ठीक है। उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन किया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड हमें मोटिवेट करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए इससे कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। हाँ हो सकता है हमने अचीव नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेंगे यार, ठीक है। इंस्पायर होना चाहिए, किसी को देख के इंस्पायर होइए, किसी का बदनामी मत कीजिए, किसी बदनामी नहीं करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अंटिल पीस बाय, टेक केयर।